माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का ना स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। मैं और मेरी दीदी जी जो आगे से जा रही है ना, हम लोग जा रहे हैं ऊपर बैठक में। तो गाइस आज हमारे गांव के भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं भाषा विभाग के सचिव विनोद रतोड़ी जी, और जिनके साथ ना काफ़ी और भी अधिकारी जी यहाँ पे आज मौजूद होंगे। और पूरे ग्रामीण वासियों को एकत्रित किया गया है हमारी प्राइमरी पाठशाला स्कूल पे ऊपर। तो आप लोग ना मेरी वीडियो पे बने रहें। खिलखिलाती हुई धूप के साथ यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी है। तो चलिए जी, पैदल रास्ता सीधे से तय करते हुए जाते हैं ऊपर प्राइमरी पाठशाला स्कूल के पास। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला के जस्ट गेट के पास, और सामने से ना बैठक शुरू भी हो चुकी है। तो गाइस आज की बैठक यहाँ पे सरकार जनता के द्वार के तहत रखी गई है, और सबसे पहले ना हम पूरे ग्रामवासी भाषा विभाग के सचिव विनोद रतोड़ी जी का ना दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, और उनके साथ आए अन्य विभागों के अधिकारियों का भी ना हम हार्दिक स्वागत यहाँ पे करते हैं। जनता का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे ग्राम पंचायत धनापेली में समस्त विभागों से अधिकारी और कर्मचारीगण आए हुए हैं। मैं पूरा विश्वास और विश्वास ही नहीं, माननीय हमारे लंबे समय से यहाँ पर सीएससी में पीएससी जो छानी है, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोविंद सिंह नेगी जी के नाम से जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, लंबे समय से बहुत प्राचीन समय से यह चला हुआ है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का, इस 49 ग्राम पंचायत के मध्य में प्रथम यह स्वास्थ्य केंद्र है। उसके बाद बहल्ला काफलीगढ़ अन्य जो भी खुले हैं बाद में खुले हुए हैं। मैं हमारे यहाँ से और लंबे समय से सर ये मांग जारी है कि इसका उच्चीकरण किया जाए इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे के बाद न कोई डॉक्टर मिलता है, न कोई एनएम, न कोई भी सुविधाएं हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है सर बागेश्वर जनपद मुख्यालय में जाने के लिए। तो मेरा निवेदन है, हमारे क्षेत्र से कई बार मैं शायद माननीय सीएम महोदय को भी ज्ञात होगा कि कई बार हमारे द्वारा यहाँ पर पत्र भेजा गया है कि इसका पीएचसी में पीएचसी से जिक्र करके सीएचसी मैं इसको बताया जाए, या इसका अगर सीएचसी के लायक अगर सपोर्ट नहीं है तो उसका उच्चीकरण कर दिया जाए, तो कुछ न कुछ सुविधाएं उसमें दे दी जाए। धन्यवाद, आपकी बात बहुत ही बढ़िया बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारी जो योजनाएं चल रही है, एक तो हमारी जो है मेहर गांव से बक्सर जुना 3 किलोमीटर की जो मार्ग है इसमें सर्वे का काम पूरा हो गया है, और अभी जो है बनभूमि के प्रस्ताव गठन की कार्रवाई चल रही है। सर मैं आपको ये भी अवगत करना चाहूँगा और समस्त जनता को भी अवगत करना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार ने रिसेंटली जो है मानव वन्य जीव संघर्ष राहत नियमावली 2024 निर्गत की गई है, और उससे जो है हमारे काश्तकारों को बध्याकरण सर 1700 बंदरों का बध्याकरण इस बार बागेश्वर जनपद में किया है, और इस क्षेत्र में भी सोनिंग मशीन का सर वो आपका मैंने पढ़ा और उसको हम जल्दी मंगा रहे सर, डीएफओ साहब से भी बात हो रखी है। और जी सर जी जिस मशीन के लिए सर ने कहा है उसको हम लोग जो है अपने डिपार्टमेंट के स्तर से जल्दी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मानव वन्य जीव संघर्ष राहत नियमावली है उसका थोड़ा मोटा मोटा रखना चाहूंगा, क्योंकि वो हम सब लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ है, और जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष हर वर्ष बढ़ते जाएगा। इस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है पूरा जंगल से घिरा हुआ है, और जिस प्रकार इंसान को जीने का अधिकार है उसी प्रकार जंगली जानवरों को भी जीने का अधिकार है, हमारे सिस्टम में कहा गया है और सिस्टम की सत्यता भी है। इसमें जो है एक गाय का, अगर गाय को अगर लेपर्ड मार देता है तो उसको 37,500 रुपये का भरपाई जो है अनुग्रह धनराशि के रूप में विभाग द्वारा दी जा रही है, और बकरी के केस में 5,000 रुपया है, बैल के केस में 32,000 है, और यदि कोई 3 वर्ष से कम का कोई बछड़ा है गाय का या तो उसमें 20,000 रुपया है, और जो भैंस है उसमें आपका 37,500 रुपया है, और घोड़ा खच्चर में 40,000 रुपया है, और गाय की बच्चिया में 20,000 रुपया है।
और उसके साथ साथ जैसे कि अभी आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बंदरों के द्वारा भी फसल को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो पहली बार सरकार ने जो है बंदरों की क्षति पर मुआवजे का प्राविधान रखा गया है, उसमें 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको अपने मुआवजे के लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि आपकी कितनी नाली भूमि में जो है नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए वन विभाग से जरूर अनुग्रह धनराशि दी जाएगी, लेकिन आपका प्रस्ताव जो है राजस्व विभाग के थ्रू आएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह मेहता, हमारे ग्राम सभा नागे में जो ट्यूबवेल बना जो आपने अभी देखा, तो सर उसके विस्तारीकरण के लिए हम पहले भी जिला महोदय से ले चुके हैं, तो हाँ ये नोट करा दिया है, उसका लाभ हमें भी मिलना चाहिए। और सरकार की 1 करोड़ की योजना आप 1 अक्टूबर तक सीमित रख रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। या तो आप 1 अक्टूबर हमारे भी लगा दीजिए, 1 करोड़ आप नारतुली में, 1 करोड़ पंचगांव में। उसका पानी किया सर, पीने के लिए पानी नहीं है, वेस्ट हो रहा है, आपने देखा कितना वेस्टेड है। ठीक है, धन्यवाद। अभी पूरी लाइन ही हमारी कम्प्लीट हुई है, तो इसलिए पानी बराबर नहीं आ पा रहा है। हर ग्राम पंचायत में उसका बारीकी से निरीक्षण करते हुए जो भी पात्र लाभार्थी है उनका पंजीकरण TMAY पोर्टल पर किया जाएगा। तो अभी इसमें फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप जितने भी लोग हैं, जब पोर्टल खुलेगा ना, उसके बाद सभी लोग एक्टिव रहना कि भाई आपका जो जो पात्र है उनकी जांच करके हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पात्र है या जो कह रहे हैं कि मेरे पास मकान नहीं है, जैसे आप एप्लीकेशन देंगे तो ब्लॉक लेवल आप एक एप्लीकेशन ब्लॉक में दे दीजिए। हमने ब्लॉक वालों को वीडियोस में बता रखा है कि जो भी आपके पास आवास की शिकायत आती है उसकी जांच करवा के अभी फिलहाल के लिए एक रजिस्टर बना ले कि इतने लोगों की मैंने जांच कर ली, ये पात्र पाए गए हैं। जिस समय भारत सरकार पोर्टल खोलेगी तो हमारे पास एक रेडीमेड लिस्ट तो ऑलरेडी होगी, उसको हमें एक बार पुनः सर्वे करा के जाँच करा के तब आप लोगों की एंट्री हम पोर्टल पर कराएंगे, तभी आवास में। ठीक है ना? और समूह के माध्यम से अभी अभी जब पोर्टल खुलेगा नए सिरे से आवास मिलेंगे तब। तो इसमें सभी को क्लियर हो गया होगा। विशेष कर हमारी पीटी साहिबा, वीडियो, एचओ, डीओ और इंजीनियर लोग सारे, हमारे सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब, डॉक्टर, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई। देखिए, समस्याएं हमेशा रहती है, सतत होती है। जब जीवन है तो समस्या रहती है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ। और प्रश्न होता है तो उसका उत्तर उसी में छुपा होता है। अगर अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो आपने से ही प्रश्न करिए कि आपने पानी कितना खर्च करते हैं, क्या आप बिल देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या आप बिजली नहीं आती है तो बिजली में क्या हम सब बिल देते हैं कि नहीं देते हैं। तो दोस्तों, बैठक भी समाप्त हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पे घर की तरफ निकलने लगे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आए थे। सभी ग्रामवासियों को काफी ज्यादा खुशी हुई आज हमारे गांव का भ्रमण किया करके। तो वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं बना पाई है, तो आइए अब पूछते हैं ग्राम प्रधान जी से। ग्राम प्रधान पुष्पा जोशी जी, जिन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा पानी का यहाँ पे रखा बैठक में, और अभी भी इनको पानी की समस्या है। जो हमारे घरों में पानी आता है वो सिर्फ ट्यूबवेल के माध्यम से आता है, और बाकी वो घर घर नल जल में फिट किया गया है, इसीलिए वो पानी हमारे घर में रोज आता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? कौन कौन आई थी यहाँ पे? मीटिंग थी, पूरे गांव वालों को यहाँ पे बुलाया गया, अधिकारी पदागण सब। तो अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे प्रस्तुत कीजिए करके वहाँ पे सभी गांव वालों को बुलाया गया था। तो इसी के साथ ना मैं प्रधान जी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला बाय बाय, धन्यवाद, बाय बाय। हम बर्थडे के मिल रहे हैं।